मैं दिनेश आनंद स्वागत करता हूँ आप लोगों के अपने YouTube चैनल इंडियन इंग्लिश क्लासेस में। गाइस रूल्स खत्म होने के बाद हम लोग लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस देखे थे जो कि बेसिक लेवल के थे, और आज उसी क्वेश्चंस को हम लोग प्रीसीड करेंगे। तो बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग का अगला क्वेश्चन है, रिराइट द सेंटेंसेस चेंजिंग नंबर्स, मीन्स जो सेंटेंस दिया हुआ है इन लोगों का नंबर को चेंज करके हम लोग इसको फिर से लिखेंगे। भाई तो स्टार्ट करते हैं। द एक्ट्रेस प्लेड द पियानो, एक्ट्रेस पियानो प्ले कर रही थी, तो हम लोगों को नंबर चेंज करना है। तो नंबर हम लोग जो नाउन्स है उन्हीं को नंबर चेंज करना है। देखते हैं, द एक्ट्रेस का नंबर हम लोग चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्ट्रेसेस। ठीक है, रूल्स को फॉलो करना है बस। प्लेड द पियानोस, ओके गाइस, जितनी भी रूल्स मैंने बताए हैं सारे को आप लोग को दिमाग में रखना है और फिर सारे क्वेश्चंस आप लोग को बनेंगे। द बॉक्सेस, तो यहाँ पे द बॉक्सेस ना होके क्या हो जाएगा, दीज बॉक्सेस। ठीक है, दीज बॉक्सेस आर फुल ऑफ वॉचेस, सो कोई चेंजेस नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन, द लेडी वॉज स्टंग बाय मॉस्किटो, लेडी मॉस्किटो के द्वारा काटी गई। ठीक है, स्टंग मींस होता है डंक मारना। ठीक है, और ये वी टू है, द लेडी वास का प्लूरल क्या हो जाएगा, मैंने बताया है द लेडीज वर स्टंग बाय मॉस्किटोज। आज बहुत ही आसानी है से हम लोग इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। द थीफ, तो यहाँ पे आप लोगों को पता है क्या होगा, द थीफ हाइड हिमसेल्फ, तो यहाँ पे थीप्स है तो यहाँ हिमसेल्फ ना होके देमसेल्फ हो जाएगा। ये भी रूल्स हम लोगों ने पढ़ा है इन द स्ट्रीट्स। ठीक है, ये हम लोगों का प्लूरल हो जाएगा। नेक्स्ट है, कट द टोमेटोस फॉर सैलड, मीन्स सैलड के लिए टोमेटो टमाटर को काटो, तो हम लोग सेम करेंगे, सिर्फ टोमेटो को टोमेटोस कर देंगे। ठीक है, फॉर सैलड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, मीन्स यहाँ पे जितने भी सारे 10 सेंटेंस मैंने लिखे हैं इनमें से इनमें हर एक में कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक्स है, तो उस मिस्टेक्स को हम लोग निकालेंगे और सही करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल, रूल्स जितना भी बताएंगे उसके हिसाब से। देखते हैं, ही डज नॉट लाइक द पोएट्रीज ऑफ किड्स, मीन्स उसे किड्स की पोएट्रीज पसंद नहीं है। तो गाइस हम लोग को यहाँ मिस्टेक दिखाई है, हम लोग का ये पोएट्रीज ना होके क्या होगा, पोएट्री, क्योंकि पोएट्री खुद एक प्लूरल है। ठीक है, नेक्स्ट है, एवरी वन लाइक वेजिटेबल, एवरी वन हम लोगों का सिंगुलर है, दैट मीन्स यहाँ पे एस लगेगा और ये वेजिटेबल होगा, तो ये वाला पार्ट हम लोगों का गलत है और ये वाला पार्ट भी गलत है, तो दैट मीन्स क्या होगा, एवरी वन लाइक्स वेजिटेबल, वेजिटेबल्स। ठीक है, नेक्स्ट है, द सीनरीज ऑफ द हिमालयाज आर वेरी चार्मिंग, मीन्स हिमालय का जो सीनरी है वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है, तो यहाँ सीनरीज ना होके सीनरी होगा, हम लोग रूल्स जानते हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है, देयर वर हेवी ट्रैफिक्स ऑन द रोड, तो हम लोगों का ये वाला पार्ट एरर है, तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रैफिक, क्योंकि ट्रैफिक कभी भी प्लूरल नहीं होता है। ठीक है, ट्रैफिक, ओके गाइस। नेक्स्ट है, प्लीज कट इट विद सीजर, मीन्स इसको प्रिपेयर करके कैंची से काटो, तो ये सीजर वाला पार्ट गलत है हम लोगों का, क्योंकि यहाँ एस आई डबल एस ओ आर एस सीजर हमेशा ऐसे होता है। ठीक है, प्लूरल में और सिंगुलर में भी, ही गेव मी सेवरल इन्फॉर्मेशन, उसने मुझे बहुत सारी जानकारियां दी, तो गाइस ये भी हम लोग का पार्ट गलत है, यहाँ पे सिर्फ इन्फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट है, मैन कांट लिव विदाउट वाटर, सो एरर हम लोगों को बहुत ही आसानी से दिख जा रहा है, बस इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में दिए जाते हैं बेसिक लेवल में। ठीक है, ही इज अ 50 ईयर्स ओल्ड मैन, तो यहाँ पे हम लोग का ये वाला पार्ट एरर है, दिस पार्ट इज ओनली एरर, क्योंकि यहाँ अ प्लस एडजेक्टिव वाला फॉर्म हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, फादर इन लॉज लव देयर सन इन लॉ, भाई ये हम लोग का कंपाउंड वर्ड है और इसके बारे में हम लोग पढ़े थे, फर्स्ट पार्ट जो होता है वो प्लूरल होता है,
तो यहाँ फादर्स वाला जो पार्ट होगा वो होगा, ये एस हट जाएगा एंड यहाँ पे सन इन लॉ हो जाएगा, ठीक है। टेन नंबर है, ही हैज फाइव सिप्स एंड टेन डियर्स। गाइस इसका भी रूल्स पढ़े थे, जहाँ पे न्यूमरल एडजेक्टिव होता है वहां पे नाउन प्लूरल नहीं होता है, सो ये वाला ना होगा और ये ना होगा। ओके हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल नाउन, मींस यहाँ पे जो नाउन्स दिए हुए हैं साइड में ऑप्शन के रूप में, उन लोगों से हम लोग को ऑप्शन सही सुनना है। तो स्टार्ट करते हैं, हर डैश नीड्स कटिंग, मींस उसके डैश को काटना चाहिए, मींस काटने की जरूरत है, तो क्या होगा, हेयर या हेयर्स। तो हम लोगों को पता है हेयर्स हम लोग अगर नहीं होता है क्या होता है, हेयर, तो हेयर शुड बी हेयर। ओके गाइस, हर हेयर नीड्स कटिंग मींस उसके बालों को काटने की जरूरत है। 5 किलोमीटर इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब 5 डैश एक लंबी दूरी है, तो कितनी दूरी, 100 या 100, तो हम लोग जानते हैं 100, क्योंकि 100 तो प्लूरल है, या ये नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 500। द डैश आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, द कैटल या द कैटल्स, मींस कैटल फील्ड पे चल रही है या फिर कैटल्स, तो हम लोगों को कैटल, हमको पता है कि कैटल हमेशा सिंगुलर और कैटल हमेशा प्लूरल में होता है, ठीक है। एवरीवन गेट्स द फ्रूट ऑफ हिज डूइंग या डूइंग्स, मींस हर एक को अपने किए का फल मिलता है, किए का फल मिलता है। तो गाइस यहाँ पे फ्रूट्स है, नॉट फ्रूट, फ्रूट मींस वो वाला फल, और यहाँ पर फ्रूट्स मतलब रिजल्ट है, ठीक है। तो हर एक को अपने किए का फल मिलता है, सो डूइंग होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, विनय कैन नॉट वॉक इवन 1.5 किलोमीटर, तो यहाँ पे किलोमीटर ही होगा, ठीक है, हाफ किलोमीटर। नेक्स्ट है हम लोग का, वी इंजॉय द डैश ऑफ किड्स, मीन्स हम लोग किड्स की पोएट्रीज को इंजॉय करते हैं या फिर पोएट्री, तो हम लोगों को पता है कि हमेशा पोएट्री प्लूरल ही होता है, ठीक है, सो पोएट्री। अदिति हैज लॉस्ट हर बाइनोकुलर्स और बाइनोकुलर, तो गाइस ये भी रूल्स हम लोगों ने पढ़ा है कि हमेशा बाइनोकुलर्स हमेशा प्लूरल में होते हैं, सो हियर विल बी बाइनोकुलर्स। I did all this in a simple manner. As एक manner होता है तरीका, और एक होता है हम लोग का जो पहले का परंपरा होता है, so in a simple manner होगा, ठीक है। और manners का use हम लोग कहाँ करते हैं, respect show करने के लिए, वो manners होता है, और ये manner एक तरीका, ठीक है। This chair is made of wood or woods, तो ये जो chair है वो लकड़ी से बनाया है या फिर जंगल से, woods का मतलब हम बताए थे जंगल होता, तो यहाँ पे वुड्स ना होके क्या होगा, वुड, ठीक है। आर स्टेट इज वेरी रिच इन नेचुरल रिसोर्स या रिसोर्सेस, तो हम लोग का पता है रिसोर्सेस होगा, क्योंकि रिसोर्सेस हमेशा प्लूरल में होते हैं, सिंगुलर में कभी नहीं। वी शुड वर्क फॉर द डैश ऑफ स्टेट, मीन्स हम लोगों को अपने राज्य की अच्छाई के लिए काम करना है, ना कि सामान के लिए, गुड्स मीन्स होता है सामान, और गुड मीन्स होता है अच्छा ही, सो हियर विल बी गुड, वी शुड वर्क फॉर द गुड ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट है, द हंटर शॉट 3, गाइस इसके पहले भी डियर वाला क्वेश्चन आया था, तो यहाँ पे डियर्स ना होके क्या होगा, डियर होगा। ऑल द डैश वॉज रॉन्ग, गाइस इंफॉर्मेशन वाला भी क्वेश्चन इसके पहले आया था कि इंफॉर्मेशन हमेशा प्लूरल में रहता है, ठीक है, सो हियर विल बी इंफॉर्मेशन, ना कि इंफॉर्मेशन। All the information was wrong. जितनी भी information थी, जानकारी थी, सारी गलत थी। So students, आज की क्लास के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम लोग कुछ helping verbs देखेंगे और उनका use कहाँ पे होगा उसको देखने के बाद कुछ questions को solve करेंगे। And then हम लोग common error की तरफ बढ़ेंगे, जो कि mainly competitive exams में, SSC और banking में पूछे जाते हैं। और गाइज आज का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो चैनल पे नए हैं वो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा।